नमस्कार दोस्तों मैं अंकित वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अंकित वर्मा ऑल एट नोटिफिकेशन में तो दोस्तों जैसे कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हैं ताज़ा खबर ब्रेकिंग न्यूज़ आई है हिमाचल का सेना जवान शहीद डेढ़ महीना पहले हुई थी शादी परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़ कहाँ की है क्या न्यूज़ चली जानकारी आपको इस वीडियो में देते हैं तो देख सकते हैं खबर ब्रेकिंग न्यूज नदौन के जवान की ड्यूटी के दौरान सड़क हादसे में मौत आईटीबीपी में थे तैनात डेढ़ महीना पहले हुई थी शादी करीब डेढ़ माह पूर्व वैवाहिक बंधन में बंधे नदौन की जलारी पंचायत के जजौली गांव निवासी आईटीबीपी के जवान की ड्यूटी के दौरान एक सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो गई जवान की मौत की सूचना मिलते ही क्षेत्र में क्षेत्र मात, में मातम पसर गया है गत नवंबर में वैवाहिक बंधन में बंधे दोनों पति पत्नी के हाथों का की अभी मेहंदी भी नहीं सूखी थी कि यह दर्दनाक हादसा पेश आया है मृतक दीपेश परमार पुत्र सुरजीत कुमार तीन वर्ष पूर्व आईटीबीपी में भर्ती हुए थे आजकल वह अरुणाचल प्रदेश में तैनात थे मिली जानकारी के अनुसार गत सात जनवरी को ड्यूटी के दौरान दीपेश एक वाहन की चपेट में आकर बुरी तरह घायल हो गया सेना अस्पताल प्राथमिक में प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जोनल अस्पताल तेजू में शिफ्ट कर दिया गया परंतु उन्होंने उपचार के दौरान ही दीपेश की मौत हो गई परिजनों ने बताया कि गत 22 नवंबर को ही दीपेश का विवाह हुआ था और अभी 29 दिसंबर को वह छुट्टी काटकर वापस ज्वाइनिंग करने के लिए गया था तो दोस्तों ये ताज़ा खबर ब्रेकिंग न्यूज़ धन्यवाद जय हिंद जय भारत